हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये बीटल वाला एक्सपेरिमेंट बताया था, तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कवर अप करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या है, एक्वायर्ड और इनहेरिट ट्रेड्स क्या होते हैं। एक्वायर्ड, देखो ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, जैसे आपके आई का कलर ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, तो ये सब क्या है, आपके ट्रेड्स हैं। जैसे आपके स्किन का कलर व्हीटिश है या फेयर है ना, तो ये आपका डार्क है कॉम्प्लेक्शन, तो ये सब क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है, द ट्रेड्स दैट आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ओवर द पीरियड ऑफ इट्स टाइम। ठीक है, वो ट्रेड जो कि उसको बहुत टाइम तक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत टाइम तक उसने एक्वायर किया हो, ऑर्गेनिज्म में बहुत लंबे टाइम तक एक्वायर किया हो, तो उसको बोलेंगे हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सो दीज कैरेक्टर्स मे और मे नॉट बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें थर्ड केस में देखा था, थर्ड केस में क्या हुआ था कि इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से ये चेंजेस आए थे। ठीक है, बट ये चेंजेस ऐसे चेंजेस नहीं है जो कि प्रोजेनी में ट्रांसफर हों, है ना, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बट ये वाले ट्रेड्स ज़रूर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, इसने अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए कलर चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जो ग्रीन वाली स्पीशीज़ है वो क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। तो ये क्या है, एक इनहेरिट करेक्टर है। इनहेरिट मतलब कि जो भी जो ट्रेड एक नया यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है वो मल्टीप्लाई करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा। न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, एक स्पीशीज़ नई डिस्कवर होगी। ठीक है, बट इस वाले केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्या है, एक एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है, दिस कैरेक्टर मे और मे नॉट बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद ये चार्ल्स डार्विन के बारे में भी मैंने आपको बताया था क्लास में, है ना, लाइव क्लास में, कि चार्ल्स डार्विन था जिसने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसने दी थी, जिसमें इसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में बताया था और इवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद अब आप आ जाइए स्पेशिएशन के ऊपर। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इनहेरिट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, द कैरेक्टर दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, दे आर कॉल्ड एज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, एंड दीज ट्रेड्स ऑलवेज गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट डिपेंडिंग ऑन द डोमिनेंस और द रिसेसिवनेस। ऑल्सो इट मे बी द जीन विल बी एक्सप्रेस और मे नॉट बी एक्सप्रेस, फॉर एग्जाम्पल हाइट, स्किन एंड आई कलर। ओके, नाउ द वेरिएशंस, वॉट आर द वेरिएशंस। सबसे पहले वेरिएशंस क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं जेनेटिक वेरिएशंस, द डिफरेंस इन द डीएनए सीक्वेंस अमंग एवरी ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू द डाइवर्सिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक वेरिएशन। तो जो भी डिफरेंसेस आपके डीएनए सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है, मदर, जैसे मान लीजिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो मेल और फीमेल दोनों से जीन कैरेक्टर कैरी होंगे, जो प्रोजेनी बनेंगी वो किसका मिक्सचर होगी, वो मेल पेरेंट का भी होगी, फीमेल पेरेंट का भी होगी, जिसकी वजह से एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक वेरिएशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिल्कुल आइडेंटिकल तो है नहीं पेरेंट से, है ना, सिमिलर है, तो इसलिए क्या हो रहा है, एक चेंज आ रहा है, जिसको हम कहेंगे जेनेटिक वेरिएशन। सो दीज डिफरेंसेज लीड टू डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोकेमिकल पाथवे। नाउ नेचुरल सिलेक्शन, इसके बारे में बताऊंगी मैं। नेचुरल सिलेक्शन, इट इज़ अ फिनोमिनन बाय विच फेवरेबल, ओके, इट इज़ अ फिनोमिनन बाय विच द फेवरेबल ट्रेट इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज इज सेलेक्टेड। जो भी फेवरेबल होगा वो सेलेक्ट करेगा, मतलब कि जो सराउंडिंग आपकी सेलेक्ट करेगी वही सर्वाइव करेगा और वही आगे बढ़ेगा और अपनी प्रोजेनी को आगे कंटिन्यू करेगा। सो चेंजेस इन नेचुरल कंडीशन एग्जर्ट अ इक्वल प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग स्पीशीज। जैसे आपने इस वाले एग्जांपल में पढ़ा था कि इन्वायरमेंटल कंडीशन, देखो यहाँ पर देखो एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से यह वाली स्पीशीज क्या हो गई, खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है, सर्वाइव कौन सी कर रही है, ब्लू वाली कर रही है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, अब यहाँ पर भी देखिए सेम ही है, कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन और उस हार्श कंडीशन से जो स्पीशीज क्रॉस कर जाती है और सर्वाइव कर जाती है, तो वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, वही स्पीशीज आगे कंटिन्यू करेगी अपनी प्रोजेनी को। ठीक है, सो चेंजिंग नेचुरल कंडीशन एक्सर्ट द इक्वल प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग स्पीशीज, एंड द स्पीशीज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर अडैप्टेड टू द चेंजिंग कंडीशन
सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, दैट इज सेलेक्टेड बाय द नेचर एंड स्पीशीज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी अडैप्ट. ओके, सो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. कंडीशंस के हिसाब से सर्वाइवल होती है स्पीशीज में, और यू नो नेचर इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती. उसके बाद है आपका नया पार्ट स्टार्ट होता है स्पेशिएशन के बारे में. स्पेशिएशन के बारे में इसमें एक वर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? द नेचुरल सिलेक्शन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द ट्रेट. तो नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिसाइड अ ट्रेट, टू डिसाइड अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन. बट रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन वेरियंट आर सीन इन मैनी ओकेजन. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो कुछ भी रैंडम फ्लक्चुएशन होती है आपके जीन्स के अंदर, देखिए कुछ चेंजेस आते हैं. जेनेटिक ड्रिफ्ट विल एक्यूमुलेट डिफरेंट चेंजेस इन द ईच सब पॉपुलेशन. तो कुछ भी एक चेंजेस आता है, जीन वेरियंट्स होते हैं, फ्लक्चुएशन आता है, रैंडम फ्लक्चुएशन आता है जीन्स के अंदर, तो उसको बोल देंगे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट. सो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग अलील इन स्मॉल पॉपुलेशन. ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? चेंज होता है, एक चेंज होता है किसके अंदर? एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसके उसमें मान लीजिए आई का कलर जो है वो ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है. ठीक है, तो अगर उसमें से एक और चेंजेस आ जाता है, ब्लू ब्लैक ब्राउन के अलावा भी कोई एक नया कलर आ जाता है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, तो क्या हुआ है? चेंज इन फ्लक्चुएशन, रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन वेरियंट्स, जिसकी वजह से क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन होगा और जिसकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा ही होगा. तो एक तरीके से क्या हुआ है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुआ है. ठीक है, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग अलील इन द सेम पॉपुलेशन. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मे कॉज अ जीन वेरिएंट टू डिसअपेयर फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड दस रिड्यूस द जेनेटिक वेरिएशन. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करती है? जेनेटिक वेरिएंट प्रोड्यूस करती है टू डिसअपेयर फ्रॉम द पॉपुलेशन. ठीक है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाता है. ठीक है, डिफरेंट चेंजेस आते हैं तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आपका जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाता है. तो ध्यान रखना हमेशा, जेनेटिक ड्रिफ्ट बढ़ेगा तो जेनेटिक वेरिएशन कम होगा. ओके, सो नाउ एक और चीज है इसके अंदर स्पेशिएशन के बारे में. इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज. लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नोट कर लीजिए. इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन. ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है उसके अंदर कोई भी स्पीशीज़ है उसके अलावा न्यू स्पीशीज़ डेवलप होती है तो उसको बोलेंगे हम स्पेशिएशन. ड्यू टू द इवोल्यूशनरी फोर्सेस लाइक जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन एक्सेट्रा. स्पेशिएशन लीड टू द डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी लीड टू द इवोल्यूशन. ठीक है, यहाँ देखिए आप एक एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पर देखिए इसने कुछ चेंजेस आया है, ये ग्रीन कलर हुआ है जी. ग्रीन कलर होने की वजह से सर्वाइवल ग्रीन कलर की हो रही है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक न्यू स्पीशीज का इवोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, इसका कोई यू नो पीछे से एंसेस्टर तो था नहीं जो कि ये ग्रीन हो गया, बट यहाँ पर क्या हुआ? एक सडन चेंजेस आने की वजह से क्या हुआ कि एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुई है ना, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है और सारी की सारी स्पीशीज ग्रीन में कन्वर्ट हो गई हैं. ओके, नाउ जीन फ्लो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन फ्लो? यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है जीन फ्लो. जीन फ्लो इज द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द नेक्स्ट पॉपुलेशन. तो ध्यान रखना, आप ये नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, यहाँ है पॉपुलेशन के अंदर. जीन फ्लो का मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में अगर जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो बोलेंगे हम जीन फ्लो. उसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम. तो सबसे पहले पॉपुलेशन क्या है? अ पॉपुलेशन इज अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर एंड हैव फर्टाइल वायबल ऑफस्प्रिंग. तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था. चार्ल्स डार्विन क्या है? फादर ऑफ इवोल्यूशन है, ध्यान रखना ही. फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल है. फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है? चार्ल्स डार्विन है. इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे थ्योरी दी थी और बुक लिखी थी 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ओके, नाउ यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइटेड की हुई हैं. ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है.
ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसने यहाँ पर तीनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। द माइग्रेंट बीटल विल रिप्रोड्यूस विद अ लोकल पॉपुलेशन, दिस विल रिजल्ट इन अ, देखिए जब भी कोई माइग्रेंट, मान लीजिए एक बीटल है, एक बीटल की पॉपुलेशन है, वो एक जगह से, क्रॉ ने क्या किया, उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह प्लेस पे रख दिया, बिल्कुल अलग प्लेस पे जाके रख दिया। तो क्या हुआ, ये जो नई वाली जब प्लेस पे बीटल जो आई हैं वो क्या होंगी, माइग्रेंट बीटल होंगी। इट विल रिप्रोड्यूस विद द लोकल पॉपुलेशन, तो वो जितनी भी वहाँ पर लोकल बीटल्स होंगी उनके साथ रिप्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से दिस विल रिजल्ट इन द जीन ऑफ द माइग्रेंट बीटल एंटरिंग अ न्यू पॉपुलेशन। तो जिसकी वजह से जो माइग्रेंट बीटल आई है उसका जो जीन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, न्यू पॉपुलेशन को, और इसको हम बोलेंगे जीन फ्लो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता ही दिया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बता दिया है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट विल एक्यूमुलेट डिफरेंट चेंजेस इन द ईच सब पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन में ऑल्सो ऑपरेट डिफरेंटली इन दीज डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल इन द टेरिटरी ऑफ वन सब पॉपुलेशन क्रॉस आर एलिमिनेटेड बाय द ईगल्स। तो आप देखिए क्रॉस जो है वो उनको ईगल्स ने खा लिया है, एलिमिनेट कर दिया है। बट दिस डज नॉट हैपन फॉर द अदर सब पॉपुलेशन वेयर ग्रो क्रॉ नंबर आर वेरी हाई। एज अ रिजल्ट द ग्रीन वेरिएशन विल नॉट बी सिलेक्टेड एट द फर्स्ट साइट वाइल इट विल बी स्ट्रॉन्गली सिलेक्टेड एट द सेकेंड साइट, ठीक है। तो ये इसने एक एग्जाम्पल दिया है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, क्या कहा है, नेचुरल सिलेक्शन जो है डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पे डिफरेंटली वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन विल रिजल्ट इन दीज आइसोलेटेड सब पॉपुलेशन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होगा, एक न्यू सब पॉपुलेशन बनेगी, ठीक है। बीटल्स की एक न्यू सब पॉपुलेशन बनेगी जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी प्री पॉपुलेशन की से। और ये क्यों होगी, इवोल्यूशन होता क्यों है, डीएनए चेंजेस की वजह से। डीएनए चेंजेस आर सीवियर इनफ एंड सच चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इवेंचुअली द जर्म सेल्स ऑफ द टू ग्रुप्स कैन नॉट फ्यूज विद ईच अदर, ठीक है। अब मान लीजिए बीटल्स कुछ ऐसी हैं जो कि सेक्सुअली डिफरेंट हैं, मतलब कि उनकी जो क्रोमोजोम नंबर हैं, चेंजेस इतना आया है बीटल्स की पॉपुलेशन के अंदर कि क्या हुआ है कि उनके क्रोमोजोम नंबर भी चेंज हो गए हैं। अब क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गए हैं तो क्या होगा, जब मैं उसको माइग्रेंट बीटल्स को एक पॉपुलेशन, एक जगह से दूसरे पॉपुलेशन में जाकर मिक्स कर दूंगी तो क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। जब क्रोमोसोम ही नंबर डिफरेंट है दूसरी बीटल्स के से तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दो जर्म सेल्स, टू जर्म सेल्स, जर्म सेल्स ऑफ द टू ग्रुप्स कैन नॉट फ्यूज विद ईच अदर एंड न्यू वेरिएशन इमर्जेस इन विच ग्रीन फीमेल विल नॉट मेट विद द रेड मेल्स बट ओनली विद द ग्रीन मेल्स। तो जो ग्रीन होंगी वो ग्रीन के साथ ही मेट कर पाएंगी, रेड के साथ नहीं कर पाएंगी। सो दिस अलाउ स्ट्रॉन्ग नेचुरल सिलेक्शन फॉर द ग्रीननेस, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एक टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के ऊपर। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन इज अ यू नो सडन चेंजेस और वी कैन से टेंजिबल चेंजेस इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर सेवरल जनरेशन। तो बहुत सारी जनरेशन जब आती हैं तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते होते क्या होगा, ये बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई देगा, है ना। अगर आप कंपेरिजन करोगे फर्स्ट से लास्ट में, 100 ईयर्स में, 400 ईयर्स में, 200 ईयर्स में, इतना इतना टाइम लग जाता है इवोल्यूशन होने में, ठीक है। सो दीज चेंजेस कैन गिव राइज टू अ न्यू स्पीशीज और द स्पीशीज माई चेंज देमसेल्फ टू बिकम अ बेटर अडेप्टेड टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही वर्क करेंगे, अकॉर्डिंगली ही सर्वाइव करेंगी। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है। देखिए एक चार्ल्स डार्विन ने देखा था, जब वो गया था गैलापागोस आइलैंड्स गया था, तो उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नाम दिया था एक बुक को, यू नो इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा इवोल्यूशन। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये हमको करना बहुत ज़रूरी है कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, ये होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स जो हैं वो हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को बता रही हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एनिमल कैन बी डिडक्टेड बाय द
स्टडिंग द होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। तो जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं तो हम हमेशा सबसे पहले होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये इनके क्या हैं, स्ट्रक्चर आप देख रहे हो सेम है बट फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। जैसे ह्यूमंस के जो हाथ होते हैं, हैंड्स होते हैं, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को पिक करने के लिए या फिर खाना खाने के लिए या काम करने के लिए काम आते हैं। बट बर्ड्स के जो हैंड्स हैं वो उसको सिर्फ बैठने के लिए, है ना, कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए नहीं आते हैं, खाना खाने के लिए हाथ काम नहीं आते हैं। तो फ्रॉग्स का भी ऐसे ही है, लिजर्ड्स का भी सेम ऐसे ही है। तो इसका एग्जाम्पल लिखिए, विंग्स ऑफ बर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही होमोलोगस भी और एनालोगस दोनों ऑर्गन क्या है, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लिखिए। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्ब्स ऑफ मैमल्स, दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट मॉडिफाइड टू डिफरेंट फंक्शन। दूसरा है प्लांट्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँगी तो इसका एग्जाम्पल है अ टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट एंड द स्पाइन ऑफ बर्बेरी प्लांट, बोथ हैव मॉडिफाइड लीव्स बट परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। उसके बाद है आपका एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके सिमिलर फंक्शन होते हैं बट डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, बैट की जो हैंड्स हैं, फोर लिम्स हैं, है ना, वो उनकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, बट क्या है, फंक्शन बिल्कुल सेम है। तो ध्यान रखना कि विंग्स ऑफ बैट बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर यूज फॉर द फ्लाइंग बट स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। दोनों फ्लाइंग के लिए यूज होती हैं बट स्ट्रक्चरली क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद प्लांट के रिस्पेक्ट में भी लीव्स ऑफ ओपेंशिया एंड पीपल बोथ परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस बट लीव ऑफ ओपेंशिया आर मॉडिफाइड स्टेम बट पीपल लीव्स आर नॉर्मल लीव्स। ओके, सो सेम फंक्शन है बट डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए अब थोड़ा सा फॉसिल्स की तरफ पढ़ते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, ये होते हैं इवोल्यूशनरी एविडेंसेस। ठीक है, इवोल्यूशनरी एविडेंसेस जो होते हैं वो हमारे फॉसिल्स होते हैं। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ पीसेज ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना, बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। फॉसिल्स हैपन टू बी द बिगेस्ट ऑफ देम। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एविडेंस है, सबसे बड़ा एविडेंस है फॉसिल कि हाँ ये वाला स्पीशीज थी, जैसे हम बोलते हैं डायनासोर्स प्रेजेंट थे, तो उनके हम फॉसिल्स को स्टडी करके ही बता सकते हैं कि वो प्रेजेंट थे या नहीं। सो फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशियंट एनिमल्स और प्लांट्स दैट डाई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब डाई हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म तो क्या करते हैं, फॉसिल्स प्रोड्यूस, मतलब एक तरीके से फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दीज फॉसिल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी एंड इवन द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑल्सो दिस कैन अंडरस्टैंड हाउ इवोल्यूशन वर्क्ड एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टूडे। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है। तो अब देखिए यहाँ पर एक लेयर बना भी रखी है इसने, एक स्ट्रक्चर बना भी रखी है कि कैसे होता है फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए द सर्फेस आर मोर रिसेंट देन द फॉसिल वी फाइंड इन डीपर लेयर्स। तो जो सर्फेस होगी उसके पास रिसेंट वाला फॉसिल होगा, बट डीपर जैसे आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा ओल्ड होगा, जो कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले सर्वाइव कर रहे थे ऑर्गेनिज्म। सो द सेकेंड वे, देखिए फर्स्ट तो आपका फॉसिल हो गया, सेकेंड क्या है, सेकेंड वे ऑफ डेटिंग फॉसिल इज बाय डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल। तो आप क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे रेशियो किसका, डिफरेंट आइसोटोप्स का। ठीक है, ऑफ द सेम एलिमेंट, जो भी आपको सेम एलिमेंट वहाँ पर मिले उनके आइसोटोप्स को, आइसोटोप्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे और उनका रेशियो निकालेंगे, है ना, जिस ये सब हम फॉसिल मटेरियल में ही देखेंगे। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट द मेथड हाउ इट इज़ वर्क। तो देखिए आप यहाँ पर दिया भी हुआ है लेयर बाय लेयर कैसे फॉसिल्स बन रहे हैं। 100 मिलियंस ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक है, सेफ बेड में डाई हो गए, बरीड हो गए इन द सेंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये आपके सी बेड डाई हैं, ठीक है, ख़त्म हो गए हैं और इनवर्टिब्रेट्स थे ये, और ये ख़त्म हो गए, इन्होंने एक लेयर बनाई है। बट मिलियंस ऑफ आप
मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर देखिए यहाँ पर एक और जगह बन गई है, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स थे वो ख़त्म हो गया, वो बरीड हो गए, उनके फॉसिल्स यहाँ पर क्रिएट हो गए, उनकी एक कलर लेयर बन गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आया आपका हॉर्स लाइक क्रिएटर्स, वो उसके बाद ये यू नो वैनिश हो गई, ये ख़त्म हो गई, ये क्रिएटर्स यू नो डाई, दे विल डाई एंड देयर पॉपुलेशन बिकम वैनिश। तो बेसिकली क्या है, दे डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, ठीक है। तो क्या हो गया कि इनकी भी एक और लेयर बन गई। उसके बाद देखिए सबसे एंड में क्या होगा कि उसके बाद देखेंगे जैसे ही आप डीपर एंड डीपर जाएंगे, अब देखिए टॉप लेयर पे क्या होगा, आपको हॉर्स मिलेगा, उसके बाद आपको डायनासोर, उसके बाद आपको मिलेगा आपको इनवर्टिब्रेट्स। तो जैसे ही आप डीपर टू डीपर जाएंगे सॉइल के अंदर, तो आपको सबसे ओल्ड फॉसिल्स मिल जाएंगे कि कितने साल पहले ये एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ द इवोल्यूशनरी एविडेंस एंड आर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। ऑर्गेनिज्म डाई एंड दे गेट बरीड इन द मड स्टिल्ट एंड द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी गेट क्विकली लीविंग बिहाइंड द हार्ड बोन्स और शेल्स एंड ओवर द टाइम सेडिमेंट्स बिल्ड ओवर इट एंड हार्डन इट टू द रॉक। एज द बोन डिके मिनरल्स सीप इन टू द रिप्लेस द कंटेंट सेल बाई सेल एंड इट इज़ कॉल्ड एज पेट्रीफिकेशन, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड इफ बोन डिके कम्प्लीटली इट लीव्स बिहाइंड द कास्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपका सॉफ्ट टिश्यू डिके होता है, बोन डिके होता है, सेडिमेंटेशन होती है ना, उसके बाद आपकी फॉसिल्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ये पार्ट है आपका इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इवोल्यूशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड डज नॉट यू नो हैपन ओवर द नाइट। देयर आर सेवरल स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एनिमल दैट वी सी टुडे। सो द कॉम्प्लेक्सिटी डू नॉट इवॉल्व सडनली बट इवॉल्व बिट बाय बिट एंड मे हैव लिमिटेड यूज इन द सर्टेन स्टेजेस। तो दिस ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, बहुत सारे यहाँ पर हैं एग्जांपल कि ह्यूमन हैव मोर देन कल्टीवेटेड। देखिए यहाँ पर कैबेज का एक एग्जांपल है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, ये एग्जाम्पल है एक आर्टिफिशियल सेलेक्शन का, ठीक है। इस आर्टिफिशियल सेलेक्शन में क्या हुआ है, समटाइम अ सिंगल स्पीशीज कैन इवॉल्व into a several different species। तो सिंगल स्पीशीज़ थी, पहले वाइल्ड कैबेज थी, उसने कोहलराबी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, रेड कैबेज एंड केल। सो ये सारी की सारी स्पीशीज़ हैं किसकी, आपकी वाइल्ड कैबेज की। तो एक स्पीशीज़ ने डिफरेंट स्पीशीज़ को प्रोड्यूस किया, किसकी वजह से, आर्टिफिशियल सेलेक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल द कैबेज फैमिली, अ सिंगल एंसेस्टर इन द कैबेज फैमिली गिव राइज टू अ several different species due to the selection of different traits, ठीक है। तो कैसे लिया है different traits, उस यहाँ पर natural selection नहीं हुआ, यहाँ पर artificial हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, जो farmers थे उन्होंने क्या किया कि wild cabbage को किसी और you know traits के साथ breed करवाया and then new species produce हुई, ठीक है। तो ऐसे उसने उन्होंने नई species को produce किया। तो उसके बाद है आपका this idea was the चेंजेस इन द DNA ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर द बेसिक इवेंट ऑफ इवोल्यूशन। तो ये भी एक तरीके का इवोल्यूशन का पार्ट ही है, ठीक है। उसके बाद मॉलिकुलर फाइलोजनी क्या होती है, द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज इज कॉल्ड एज द फाइलोजनी, ठीक है। जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बनाते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज के बीच में, उसको हम बोलते हैं फाइलोजनी एंड इट गिव राइज टू अ इवोल्यूशनरी ट्री। तो हम एक तरीके के ट्री बनाते हैं, ठीक है। उस ट्री के जरिए हम बता सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज एक दूसरे के साथ कितनी रिलेटेड है। तो इन मॉलिकुलर फाइलोजनी दीज रिलेशनशिप आर स्टडीड एट द हेरिडिटी मॉलिकुलर लेवल एंड मेनली यूजेस द DNA सिक्वेंसेज एंड इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ DNA कॉम्पोजिशन एंड द जीन कंपेरिजन बिटवीन द स्पीशीज। लास्ट पार्ट है आपका ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो अब हम वो कवर अप करेंगे। देखिए ह्यूमन आर नन टू बी बिलोंग टू द प्राइमेट फैमिली, हमें पता है जो ह्यूमन्स हैं वो आपके किससे बिलोंग करते हैं, प्राइमेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड ह्यूमन टुडे हैव अ वेरी लॉन्ग जेनेटिक कनेक्शन टू द चिंपैंजीज एंड अदर प्राइमेट्स। वाइल द कंप्लीट इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन्स from the primates is still mystery a large picture।
हमें कैसे ये है रिलेटेड, प्राइमेट से रिलेटेड कैसे हैं, ये भी एक मिस्टीरियस यू नो थ्योरी है. सम एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस इंक्लूड, यू नो देखिए बहुत सारे ये जो क्या कहते हैं आप, बहुत सारे जो आपके ये हमारे क्या है चिंपैंजी, हम ये नहीं कह सकते हम इवॉल्व हुए हैं चिंपैंजीज से, बट हम ये कहते हैं कि चिंपैंजीज और ह्यूमंस दोनों के क्या हैं, एक कॉमन एंसेस्टर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही गई है, ह्यूमन इवोल्यूशन ट्रेसेस बैक टू द अफ्रीका. यहाँ पर देखिए ये इसने बोला है कि जो ह्यूमन ट्रेसेस हैं वो सबसे पहले जो हैं वो अफ्रीका में पाए गए थे, देन दे माइग्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बात कही भी हुई है कि आवर जेनेटिक फुटप्रिंट्स कैन बी ट्रेस बैक टू द आवर अफ्रीकन रूट्स. ठीक है, तो ये जो अफ्रीकन रूट्स हैं है ना, ये हमारा एक कह सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन का ट्रेसेस हैं. ठीक है, जो कि आपको इवोल्यूशन में हेल्प करेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ें दी गई हैं कि कैसे कैसे हम इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से, एक्सकैविटिंग से, टाइम डेटिंग एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एज वेल एज द डिटरमाइनिंग ऑफ DNA सीक्वेंसेस. ओके, सो दिस इज़ फॉर द टुडे एंड दिस चैप्टर इज़ फिनिशेज नाउ. और थोड़ा सा रीड करिए, NCERT को पढ़िए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना. ठीक है, सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई थिंक आपका कोर्स भी अब कंप्लीट होता है. एक चैप्टर जो बचा है उस पर प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा और मैं कोशिश करूँगी आपको वीडियो भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँ. थैंक यू, अपने क्वेश्चन आंसर्स कीजिए NCERT के, इसके ऊपर जितने पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.